चलिए शुरू करते हैं जेएनटी एक्सप्रेस। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका ने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतारेगी 40% महिला उम्मीदवार। महिला उम्मीदवारों को प्रियंका गांधी वाड्रा का खुला न्योता, बोली कांग्रेस से टिकट चाहिए तो मुझसे करें संपर्क। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। प्रियंका का महिला सशक्तिकरण पर जोर, बोली महिलाएं सेवा भाव से बदल सकती हैं यूपी और देश की तस्वीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका ने प्रयागराज की पारो का किया जिक्र, कहा पारो ने कहा था दीदी मैं नेता बनूंगी, इसके बाद कई शहरों की लड़कियों और महिलाओं ने मुझसे राजनीति में आने के लिए कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया लखीमपुर कांड का जिक्र, बोली आप सबने देखा पुलिसिया बर्बरता से मैं कैसे लड़ी। मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कहा देश को विकास की ओर ले जाना है तो भागीदारी के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। टिकट को लेकर मांगे गए आवेदन पत्र, अगले महीने की 15 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। प्रियंका ने कहा मेरा बस चलता तो 50% महिलाओं को टिकट देती। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे, बढ़ती आतंकी वारदातों के बीच सेना प्रमुख का दौरा, मेंढर में सैन्य कार्रवाई का लिया जायजा। मेंढर में जंगली इलाके में कई दिनों से सुरक्षा बलों ने की है आतंकियों की घेराबंदी, सेना प्रमुख नरवणे ने ली हालात की जानकारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर शिकंजा कसने की बनेगी रणनीति। एनआईए को सौंपी गई श्रीनगर में आतंकी वारदात की जांच, आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को बनाया था निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की खबर। दिल्ली में बीजेपी के सेवा ही संगठन है कार्यक्रम से जुड़े गृहमंत्री अमित शाह, मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक चुनाव प्रचार से लैस मोदी वैन में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा। एनएसजी कमांडोज की कार रैली पहुंची चेन्नई, 2 अक्टूबर को अमित शाह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया था रेड फोर्ट से रवाना। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और कॉरपोरेशन मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई चीनी उद्योग और कॉपरेटिव सेक्टर की एक बड़ी बैठक, कई वरिष्ठ नेता शामिल। कल कुशीनगर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर एयरपोर्ट से 23 अक्टूबर से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, शारजाह के लिए भरेगी उड़ान। बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर सीएम योगी, कुशीनगर जिले में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 20 अक्टूबर के दौरे के मद्देनजर तैयारियों का लिया जाएगा। यूपी में बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज में सीएम योगी ने की शिरकत, संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान के साल 2021 के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। आज दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सुरजेवाला ने दी जानकारी, किसान महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई चर्चा, मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कश्मीर में कहां बात हो रही थी कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की, लेकिन बीजेपी बचे हुए कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के हवाले कर रही है। पुणे लैंड डील केस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी ईडी के सामने हुई पेश। लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो, सांसद पद से दिया त्यागपत्र। बाबुल सुप्रियो ने कहा जिस पार्टी के लिए 7 साल काम किया उसकी संसद सदस्यता छोड़ने पर हूं भावुक। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का राजनीति में मौका देने के लिए जताया आभार। शुरुआत बीजेपी से हुई थी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा। बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी से खुलकर जाहिर की सियासी अदावत, कहा बतौर राजनीतिक वो मेरे लिए बहुत क्रूर हैं।
बाबुल सुप्रियो ने कहा, मेरे दिल पर जो लगा उस पर क्या कहें, जहां दिल नहीं लगा वहां नहीं रहा, अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का मुझे हक है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा के लिए जारी की डेट शीट, ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा, गलत जवाब को सुधारने का भी होगा विकल्प। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होंगी 10वीं की परीक्षाएं, 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होंगे 12वीं के एग्जाम। सुबह 11:30 बजे से शुरू होंगी परीक्षाएं, हर पेपर के लिए दिया जाएगा 1.5 घंटे का समय। पहले टर्म में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस का देना होगा जवाब। सीबीएसई ने अभी जारी की है उन मेजर विषयों के एग्जाम की डेटशीट जो सभी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए बाद में होगा ऐलान। असम के गुवाहाटी में स्कूलों में फिर लौटी रौनक, कक्षा 1 से 8वीं और 11वीं की कक्षाएं हुई चालू। महाराष्ट्र सरकार ने बदले कोविड के दिशा निर्देश, होटल्स का समय रात 12 बजे और अन्य प्रतिष्ठानों का समय रात 11 बजे तक बढ़ाया। पर्यटकों के लिए आ रही है गुड न्यूज, असम के डिब्रूगढ़ में नई टूरिस्ट ट्रेन विस्टाडोम का ट्रायल रन हुआ शुरू। तेजी से चल रहा है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य, 508 किलोमीटर लंबी होगी रेल कॉरिडोर की लाइन। हैदराबाद सिटी पुलिस पुलिस का वाहनों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर प्रहार, दर्जनों जब्त साइलेंसर तोड़े, हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने का लिया प्रण। असम में काती बिहू के त्योहार की धूम, खेतों में दीप जलाकर उत्सव में जुटे लोग। कार्तिक महीने में मनाया जाता है त्योहार, इससे जुड़ी है असम के लोगों की पहचान। इसराइल दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, समूह के सदस्यों ने बॉलीवुड के गाने से किया शानदार स्वागत। विदेश मंत्री के स्वागत में भारतीय मूल की यहूदी नेत्रहीन लड़की ने गाया फिल्म कल हो ना हो का गाना। इसराइल के विदेश मंत्री ने जयशंकर को दिव्यांगों के संस्थान में दिया था लंच का न्योता। एप्पल ने नए चिपसेट के साथ लॉन्च किया मैकबुक प्रो, हटाया गया टच बार। 14 इंच और 16 इंच के वेरिएंट में लॉन्च किया गया मैकबुक प्रो, 1.5 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत। एप्पल ने M1 प्रो और M1 मैक्स चिप को भी किया लॉन्च, बेहतरीन होगी परफॉर्मेंस। एप्पल ने नए एयरपोर्ट्स को भी किया लॉन्च, ग्राहकों को मिलेगा 3D जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस। एप्पल के नए एयरपोर्ट में म्यूजिक और फोन कॉल कंट्रोल करने के लिए दिया गया है 4 सेंसर। नैनीताल पर टूटा भारी बारिश का कहर, माल रोड पर बहते दरिया जैसे हालात, लोगों से सतर्क रहने के निर्देश। मूसलाधार बारिश के बीच माल रोड पर तेज बहाव के साथ बहता दिखा दरिया। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बरसात के बाद बढ़ा झील का स्तर। बाजार में रफ्तार से बहते दरिया में डूब गए तमाम वाहन, तेज बहाव में पलट गई बाइक। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर 1,40,000 क्यूसेक से अधिक हुआ, नजदीकी इलाका खाली करा रहा है प्रशासन। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के लामबगड़ में उफनते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी जेसीबी से खींच कर निकाली गई। ऋषिकेश में गंगा का दिखा रौद्र रूप, शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही है गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट हुए जलमग्न, सावधानी बरतते हुए तैनात की गई जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया, केदारनाथ के दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। मूसलाधार बरसात के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल चट्टी में फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला, ठंड से बीमार पड़ी महिला को स्ट्रेचर पर किया गया रेस्क्यू। हल्द्वानी में गुलर सिद्ध मंदिर के पास तेज बहाव में फंसी कार, आसपास के लोगों ने 2 युवकों को बचाया। उधम सिंह नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे पुलिसकर्मी।
उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत। रामनगर के बरसाती नाले में फंसी मर्सिडीज, ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हल्द्वानी में बाढ़ के पानी में फंसा हाथी, किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बने हालात पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। टीकाकरण पर भारत रचने वाला है नया कीर्तिमान, देश में 99 करोड़ लोगों को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। कोरोना के मामले में तेजी से आ रही है कमी, 231 दिन बाद नए कोरोना मामले सबसे कम। 24 घंटे में 19,470 लोगों ने दी कोरोना को मात, अब तक 3,34,00,000 से ज्यादा लोग जीत चुके हैं जंग। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार, रिकवरी रेट 98.14%। कर्नाटक में 25 अक्टूबर से प्राथमिक स्कूलों को खोलने की अनुमति, सीएम बसवराज ने किया फैसला, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान से T20 मुकाबले का असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध, कहा यही बीजेपी है जो मनमोहन सिंह की सरकार पर आतंकियों को बिरयानी खिलाने का आरोप लगाती थी। असदुद्दीन ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा चिंता न करें, सुरक्षित हाथों में है देश। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विरोधियों को किसी भी सूरत में चैन नहीं पड़ता, पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करो तो भी उसे बताते हैं झूठ। हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा। 24 अक्टूबर को यूएई में खेला जाना है भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला, वतन में थम नहीं रही तकरार। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में भारत का जीत से आगाज, इंग्लैंड को 7 विकेट से दी मात। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 5 विकेट पर बनाए 188 रन, भारत ने 19 ओवरों में 3 विकेट पर 192 रन बनाकर जीता मैच। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और केएल राहुल की जोड़ी की शानदार पारी, ईशान ने बनाए 70 रन, राहुल ने भी ठोका अर्धशतक। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने की शानदार बॉलिंग, शमी ने 40 रन देकर झटके 3 विकेट, बुमराह और राहुल चाहर को मिला 1-1 विकेट। अब 20 अक्टूबर को होगा भारत का दूसरा वार्म अप मैच, ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग और केमिकल्स के बूते 1 से 14 अक्टूबर के बीच 40.5% बढ़ा निर्यात, आयात में हुई 60.72% की बढ़ोतरी। कोयले के 4 दिन के स्टॉक वाले पावर प्लांट्स की संख्या घटकर 61 पर आई, एक हफ्ते पहले 70 पावर प्लांट्स के पास 4 दिन का स्टॉक था। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एसबीआई पर लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी लगाया गया 1,95,00,000 का जुर्माना। सितंबर में देश में 70,00,000 से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा की, सितंबर 2020 के मुकाबले 79% ज्यादा लोगों ने किया हवाई सफर। जुलाई सितंबर में स्टार्टअप्स को मिला रिकॉर्ड 82,000 करोड़ रुपए का फंड, जुलाई सितंबर 2020 के मुकाबले दोगुनी और अप्रैल जून 2021 से 41% ज्यादा रकम जुटाई। 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, बुके में चैनल की अधिकतम कीमत 12 रुपए तय करने के ट्राई के फैसले का असर। बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ने मिलकर शुरू किया साक्षरता कार्यक्रम, लोगों तक बैंकों की अलग अलग योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के मकसद से आयोजन। पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक को सेबी से मिली आईपीओ की मंजूरी, आईपीओ के जरिए बाजार से 6,000 करोड़ जुटा सकती है पॉलिसी बाजार। सस्ते होम लोन ने पहली तिमाही के मुकाबले घरों की बिक्री 3 गुना बढ़ाई, PropTiger.com के मुताबिक जुलाई सितंबर 2020 से भी 50% ज्यादा रही घरों की बिक्री। रूस ने नाटो के साथ राजनयिक संबंध रोकने का किया ऐलान, 8 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में निकालने के विरोध में उठाया कदम। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर के कोरोना टीके को यूरोपीय देशों में मिल सकती है मंजूरी। फाइजर ने जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाया है कोरोना का टीका, बच्चों को लगाने की मांगी इजाजत। 2,268 बच्चों पर किया गया है क्लिनिकल ट्रायल, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोमिरनेटी नाम के टीके के इस्तेमाल को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। इस टीके के 2 और जगहों पर निर्माण की मंजूरी दे चुका है यूरोपीय यूनियन, बड़े लोगों पर पाया गया है कारगर। मुंबई में धाकड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, खुद को बताया धाकड़।
मैंने क्या नहीं धाकड़ किया लाइफ में, अपने घर से भागने से लेके उसके बाद में सिर्फ धाकड़ ही काम किए हुए हैं. एंड राइटली सो आई हैव गॉट दिस फिल्म. तो आई होप कि ये भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आए. फिल्म हम दो हमारे दो में फिर नजर आई बरेली की बर्फी वाली जोड़ी. राजकुमार राव और कृति सेनन प्रमोशन में व्यस्त. केबीसी के सेट पर भी पहुंची कृति को फैंस ने घेरा. सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए लगी भीड़. मुंबई के गोरेगांव में ब्लैक ड्रेस में शूटिंग के लिए पहुंची अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज. भीड़ बढ़ते ही वैनिटी वैन में हुई सवार.